किसके कॉल आयल है? आयशा। आयशा? आयशा। आयशा का कॉल है? आयशा। नहीं। मैंने अंदर में कहा नहीं आते। पापा। मामी। Yes। पियो। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बहुत बिजी होने वाला है स्केड्यूल। मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी बना दे रही हूँ नौरीन के लिए और चिकन रेडी है क्योंकि आज फोर्थ रमज़ान है और आज के दिन रहता है यशवीन का बर्थडे। तो हम लोग ज़रूरतमंद को खाना देते हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है उतना करते हैं। इंशाल्लाह और आगे और ज़्यादा देंगे, अगर अल्लाह ने और सेहत दिया और सलाहियत दिया तो बिल्कुल और ज़्यादा लोगों को देंगे। घर में बनाना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, ख़ासकर रमज़ान में आता है तो रोज़ा रख कर रहते हैं हम लोग, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एक चला आ रहा है 15 ईयर्स से ऑलमोस्ट कर रहे हैं, तो उसको नहीं करने का भी ऐसा नहीं मन होता है कि नहीं करेंगे, तो ये करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह देखते कब तक ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों के बर्थडे में ज़रूरतमंद को खाना देने का काम। इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगी कि हमेशा करते रहें। लगा कर रख दे रही हूँ क्योंकि शाम में आऊँगी तो फिर कच्ची के लिए दम दे दूँगी। और कभी भी ऐसा होता है दोस्तों कि जब आपको बहुत काम रहता है जिस दिन, उस दिन आपके पास और नया काम आ जाता है। मैरिनेशन के लिए सिर्फ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और रेड चिली पाउडर मिक्स किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नमक मैं जब दम पे देना रहता है तो थोड़ी देर पहले देती हूँ क्योंकि अभी से देंगे तो पूरा पानी इसका छोड़ देता है। और अभी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रही हूँ, खिचड़ी नौरीन उड़ गई तो खिलाऊंगी, नहीं तो यशवीन को बोल लूँगी कि वो खिला दे और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ कॉन्फ्रेंस में। स्टिल माई वर्क इज गोइंग ऑन, नॉट कम्प्लीट। और अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट फाइल, प्लीज डू सो बिफोर लीविंग द हॉल। एवरीवन इज गोइंग फॉर लंच। Isn't it looking like alag mangi bandar ko khana nahi aata। और कैसा गया आपका प्रेजेंटेशन वैष्णवी जी? आप तुम कुछ बोलते हैं, मैं कैसा लिया? अच्छा बोले। आप भी बहुत अच्छा बोले। झूठी झूठी। रियली? ए रियली। पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन हो गया हमारा, हमारा एक काम खत्म। ये आईटी ब्लॉक है। हाँ, ये आईटी ब्लॉक है, ये आईटी ब्लॉक है। अब यहाँ पर हम लोग एक इसके लिए जा रहे हैं, क्या है वो, वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। और घर जाके क्या बनाने का है? बिरयानी। हम लोग का वर्कशॉप हो गया, हम लोग गए वर्कशॉप में, देखे वर्कशॉप चल रहा है, सेटिस्फेक्शन हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर वापस, मैम से मिल ले करके हम लोग जाएंगे घर वापस। ये है क्या बोलते हैं इसको यार, दरबार हॉल। अभी यहाँ पे रिसेंटली महेश बाबू की फिल्म का शूटिंग हुआ। गुंटूर खारम। ये शेर किसका घूम गया पता नहीं, जिसका भी आकर लेकर चले जाओ, बैठा है बेचारा 100 ईयर से यहाँ पर बैठा। सो वी फील सो प्राउड दैट वी कैन विजिट आवर वीसी, वी कैन मीट VC of the university. ये ब्रिटिश का रेसिडेंसी हुआ करता था। This is the beauty of this Hyderabad, guys. See, visitors के लिए भी allowed है, जो भी हैदराबाद से बाहर ये video देख रहे हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे, visit कर सकते हैं, बहुत अच्छा है अंदर से। मैं सीधा घर जा रही हूँ, अब आपको ये व्लॉग सीधा घर पर ही मिलेगा।
ये स्कूटी को मैंने उतना दूर लगाया था सो दैट मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं, अंग्रेज़ों की कारीगरी। ये ब्रिटिश के टाइम का है पूरा पूरा, ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ जो प्रेजेंटली दरबार के नाम से जाना जाता है। और अभी भी यहाँ पे देखिए मेन सिटी में ये कोटी वुमेंस कॉलेज है, इतनी खूबसूरत जगह है। A few moments later. अब ये घड़ा जब तक टूटेगा नहीं नौरी ने इसका जान नहीं छोड़ेगी। Oh my God! ओ किसका कॉल आया ला? आयशा। आयशा? आयशा। आयशा का कॉल है? आयशा। नहीं। Hello. At a party. What party? Party. नीचे कुछ बिछा के करना चाहिए था। Party है ये। Already सारे टाइम ही लटक गई। Naughty! Come here. किसको कॉल कर रहे आप? बजी। किसको? बिरयानी। बहुत टाइम है। YouTube चैनल पर देख रहे भर भर के लोग प्याज को लाल करके पैकेट पैकेट में डालकर महीनों भर चला रहे, क्या देयर इज नो पॉइंट। हम इसमें प्रिजर्वेटिव थोड़ी ना यूज कर सकते, कैसे स्टोर कर सकते आप एक एक महीने तक। स्मेल ही करेगा तेल। हाँ, तेल तेल पानी से मिल गया तो एनी वेज वो कंटेमिनेट होगा ना। पूरा यूट्यूब पर चैनल भर भर के बना हुआ है, आप कैसे शॉर्टकट यूज करके रख सकते इसको। मैक्सिमम 2-3 दिन वो भी आप स्टील के डब्बे पर रख रहे ठंडा करके तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा रख भी नहीं सकते। तेल और पानी मिलके तो कंटामिनेट हो जाएगा ना, फंगस लग जाएगा। आज का इफ्तार में बहुत कुछ है। तुमने जो मेहनत किया है, इंच फ्राइज इसमें क्या करने का है? इसमें अभी थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ दो टाइम भी। जल्दी से मैं पानी चढ़ा दे रही हूँ इसका। चावल ये पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें कोतमीर। क्या ये सब चीज़ों ना खच्चा भी इतना अच्छा लगता है ना, स्मेल ना नेचुरल है ना, नेचर का एक अलग ही रहता है। इसमें पुदीन। क्या हाफ एन आवर क्या करना पड़ता है इसको? फूलने के लिए देना पड़ता है, वो अच्छा फैलता है। अच्छा, चुका है देर। अब मुझे एक तरफ फ्राइंग शुरू कर देना है और वो दूसरी तरफ बिरयानी का पानी बॉईल हो रहा है। ये दही पड़ गया, हाथ ऐसे लगाएंगे तो पूरा जलने लगता है मिर्ची जा करके अंदर। नमक स्वाद अनुसार, हमारा स्वाद बहुत बहुत है। कम है हमारा, इसमें पानी में भी नमक डालना है जल्दी से। ये है क्या, किस चीज़ का पानी? ये पानी में चावल पकता है। अच्छा, वो फूलता है, ये में फूलता है, इसमें पकता है। इसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ मैं, जीरा एंड ऑल थोड़ा सा इसमें ही पड़ता है, तभी पड़ता है। तेल जल्दी जल्दी, स्प्रिंग रोल, बेसन। तेल ज़्यादा पड़ गया, खैर ठीक है जल्दी हो जाएगा काम, तेल पड़ गया तो ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है ना कि क्यूरियोसिटी है वहाँ पे, देखो ऐसे देख रही है कैसे। ओह माय गॉड, क्या बन रहा है? देखो नारिन चिप्स, जल्दी से बन जाएगा। मम्मी मत, पर ये फट रहा है ना बेटा, इसको क्यों हो रहा हमको समझ नहीं आ रहा। दबा दीजिए उसको, एक आग स्टार्टिंग का और एंडिंग। तेल अभी भी गर्म नहीं होता, ये इधर तो तेल होता भी नहीं है गर्म, प्रॉब्लम यही है। रुक जाओ, तेल गर्म होते होते तो 5-10 मिनट लग जाएगा, ज्यादा तेल है ना। हाँ हुआ गर्म, अब आप उसमें लपट दीजिएगा ना। क्या करें क्या करें, खुल के पूरा तेल गंदा हो जाएगा ना इसलिए। सिर्फ एक दो खुल गया होगा, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। आटा ना थोड़ा नरम हो गया, समझी? हमको समझ नहीं, इतना नरम कैसे हो गया मैदा? अब तेल डाल के साथ दिए क्या? नहीं तो इतना ज्यादा मत डालिए, फिर पराठे में प्रॉब्लम होगा। इतना कोई कमरे से करने का कोई
क्या हो रहा है? पपाया क्या कर रही हो नौरीन? नो 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 गेट आउट गेट आउट उतरो कम ऑन कम इन नो मम्मी नौरीन ड्यूटी पे दवाई के साथ खेल रही है। हाँ नहीं खुलाना नहीं खुलाना। सबसे बड़ी नौरीन जा रही है। क्या कर रहे हो? ये अच्छा मम बोलियो। यस बाबू किस पर पैर के ऊपर नौरीन ए यू ए व्हाई आर यू सिटिंग ऑन माय लेग आई विल किक यू लाइक दिस ये आई गॉट यू हा 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 गो और ये पैक करने से पहले मैंने बॉक्सेस धो लिए थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि इफ्तार के बाद मैं दम पे दे रही हूँ। गरम मसाला डाल दो। तो फ्रेंड्स फाइनली खाना दम पर लग गया है और अब लोग हम यहाँ पे चाय पियेंगे। मम्मी पापा यस पियो पिए पियो पीजिए पीजिए हाँ पियेंगे अंकल का फोन है। अकुश कौन है अंकल का? अकुश सच में लग गया है कॉल किसी को देखिए। मैं यही प्लानिंग हो रहा था इतनी देर से आइसक्रीम के बर्थडे गर्ल का विश है कुछ क्या बोलती है पब्लिक कौन सा आइसक्रीम के कुकीज एंड क्रीम का हम देखा अरुण का तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहता हमारा इस्लामिक तारीख वाला बर्थडे रहता है। दोनों बच्चे रमजान में हुए थे तो एक ये इंटेंशन होता है कि जब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ही दे देते हैं वरना दिन तो कोई भी अल्लाह ने अच्छा ही बनाया है सब। मेरा कितना दिल कर रहा है ये खाने का बट पहले देना है पहले देते हैं फिर खाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग हमेशा हर साल बच्चों को हाथ से इसलिए दिलवाते थे कि उनको बचपन से ये चीज़ पता चले कि द जॉय ऑफ गिविंग क्या होता है। तो अभी फिर एज यूजुअल इन लोगों को लेकर जा रही हूँ दिलाने देने के लिए उन लोगों के हाथ से ही। हर साल साजिद जाते हैं बच्चों को लेकर देने के लिए खाना लेकिन मैंने इस टाइम बहुत देर कर दिया बनाने में तो वो तरावी के लिए निकल चुके थे तो फिर मुझे आना पड़ा और ये बच्चों ने फिर अपनी पसंद की आइसक्रीम ली और हम घर आ गए थे। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं इन्फॉर्मेटिव लगते हैं इंटरटेनिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।